मीडिया का भी एक हक है ना हमसे बात करने का, हम भी तो आपको कह सकते थे कि हम बात नहीं करेंगे। अरे मीडिया का हक है नेता से बात करने का, तो आप बात करिए, जो वो सवाल का जवाब पूछ रहा है तो जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप, मारा पीटी क्यों कर रहे हैं। मुरादाबाद में सपा सुप्रीमो की मौजूदगी में सपाइयों द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना पर आज हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुरादाबाद जनपद के दौरे पर थे। पत्रकार वार्ता के दौरान कुछ पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों से बौखला कर सपा सुप्रीमो अपना आपा खो बैठे। सपा सुप्रीमो के तेवर देखकर उनके साथ आए बाउंसरों व सपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार के साथ साथ मारपीट शुरू कर दी। बसपा नेता तौफिक प्रधान ने पत्रकारों के साथ की गई मारपीट और अभद्र व्यवहार की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल मुरादाबाद में घटी घटना को संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कल की घटना की घोर निंदा करती है। आइए देखते हैं वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कल की घटना पर क्या कहा। बरेली से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सवाल किया पहले राइफल मारी हूँ, फिर अगले कालम ने कहा कि तुम ये जान पूछ कर रहे हो, हमने कहा नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम है बस। उसके बाद सारी मीडिया वालों को डाउट आके देगा, और भी चैनल के साथी थे, किसी के मोबाइल टूटे हैं, किसी के कैमरे टूटे हैं, तो हो गया। प्रधान जी इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? अभी अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ उसी क्षेत्र में निकल रहा हूँ। अच्छा प्रधान जी, दो मिनट आपके चाहिए। कल जो मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ हादसा हुआ है उस पर हम ये चाहते हैं कि दो मिनट में आप अपनी। प्रधान जी ये बताइए, कल मुरादाबाद के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके बांसरों ने जो गुंडागर्दी की है और मारपीट की है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो गुंडागर्दी तो हमेशा ही समाजवादी पार्टी में रही है, और उनके जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सामने पत्रकारों को साथ बता रहे हैं, सुलर्की की है ये, और बताते हैं पत्रकार का एक हाथ भी टूटा है, एक कसम ने मारा, पैर भी टूटा है। ये तो बहुत निंदीय बात है, अगर ऐसा होगा मीडिया के साथ ऐसा होगा तो गलत है। और सुनने में एक बात और भी आ रही, पत्रकार कई एक पत्रकार मार भी दिए गए हैं, तो बीजेपी सरकार में तो कोई भी कानून व्यवस्था ठीक ही नहीं है। ये बताइए प्रधान जी, कल की जो घटना है पत्रकारों के साथ, और मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पत्रकारों, एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 के पत्रकार थे उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनके लगभग पैर भी टूट गया है, किसी का हाथ टूटा है, तो ये घटना अचानक हुई या प्री प्लान थी उनकी? ये तो मुझे ऐसा लग रहा कि प्लानिंग के तहत ये बात हुई है, कि पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि मीडिया को कोई बयान नहीं देना, मीडिया अगर कोई बयान ले तो साथ हाथापाई करने का प्लानिंग पहले ही रणनीति बना रखी होगी इन लोगों ने, और मुझे लग भी रहा है रणनीति इन्होंने बनाई पहले से ही है। प्रधान जी, अखिलेश जी के अंदर और नेताजी मुलायम सिंह के अंदर क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? जैसे हमारे गाँव में भी बुजुर्ग लोग हैं, हमारे क्षेत्र में भी यादव बल क्षेत्र है, और उनसे मेरी बातचीत हुई तो बताते हैं कि जो मुलायम सिंह नेताजी जी थे जो गाँव में गाँव जाके गलीचों बैठ के खाना खा करते थे, और जो माननीय अखिलेश जी हैं ये तो इनको विरासत में मिली राजनीति, अब विरासत में जब राजनीति मिली है तो इनको गरीब लोगों को दुख क्या पता, नहीं पता है इनको, कमज़ोर लाचार लोगों को दुख नहीं पता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई भी एयर कंडीशन रही है, विदेशों में रहना रहा है इनका, तो इनको गांव तक की एक जो चीज़ गरीबी होती है लिहाजा होता है वो नहीं पता है, वो माननीय मुलायम सिंह जी को पता था, तभी उन्होंने बात तो यही है कि इन्हें विरासत मिली है, बस सीधी सी बात, जो चीज़ विरासत मिलती है तो उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि इसका इस चीज़ को हमारे बुजुर्गों ने हमारे परिवार के लोगों ने कैसे करके इसको मजबूत किया है। अब ले लो अपने चाचा के नहीं हुए, वो शिवपाल सिंह के नहीं हुए, शिवपाल सिंह ने गांव-गांव जाके और सब में जाके उन्होंने मेहनत की और सब मजबूती करी, सरकार को पार्टी को इतना मजबूत किया, मगर उनको ही धक्का मार कर उन्होंने निकाल दिया पार्टी अध्यक्ष बनते ही। तो जो भतीजा चाचा का ही नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा? अच्छा प्रधान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बसपा की सरकार 2022 में आती है, जो पत्रकारों पर हमले हुए हैं और पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, उस पर बसपा का क्या स्टैंड रहेगा? देखो हमारी तो देखो कहा बहुजन समाज पार्टी तो है, देखो सब समाज के साथ है, समाज हमारा जैसे मीडिया है, हमारा समाज जो भी है उसके साथ ना बहन जी ने कभी भी अत्याचार होने दिया है, और अगर 22 में बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो जो भी पुरानी फाइलें हैं वो सब खुलवाने का काम करा जाएगा। प्रधान जी ये बताइए,
अखिलेश जी का प्रोग्राम है कि आजम खां जो जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, मुसलमानों के बड़े नेता, उनके समर्थन में रामपुर के अंदर अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालेंगे जो रामपुर से चल करके लखनऊ तक जाएगी। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस बात में तो मुझे हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। आपने सवाल ऐसा कर दिया, अगर ये साइकिल रैली निकालते तो पहले निकालते ना, जब इनका परिवार पहले जब बंद हुआ था। अब चुनाव के टाइम पर रैली निकाल रहे हैं। अरे जो पब्लिक है ये सब कुछ जानती है। अब आदमी एक एक गांव को आदमी होशियार है कि सबको पता है कि साइकिल रैली निकालने का मतलब जो है कि मुसलमानों पर प्रभाव डालना, कि हम हमदर्द हैं। जब पहले ही हमारे जैसे मतलब आजम खान जब उनका पूरा परिवार जब बंद हुआ था तो उसी टाइम धरना लगाना चाहिए था, उसी टाइम रोड शो करना चाहिए था, उसी टाइम मतलब मांग करना चाहिए थी। चुनाव में क्यों, चुनाव में मांग क्यों करी जा रही है भाई, चुनाव में रैली क्यों निकाली जा रही है? ये तो गलत है ना, ये तो हमारे समाज को बेवकूफ समझ रहे क्या कि हम हमदर्दी दिखा देंगे बस मुस्लिम हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा? उस टाइम हमदर्दी कहां गई थी जिस टाइम जब पूरे परिवार को जेल बंद करा गया था? आज हमदर्दी क्यों चुनाव के टाइम पे? प्रधान जी ये बताइए, कल की घटना से सपा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अब ये तो आप मीडिया के लोगों आप भी समझते हो कि क्या उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये तो समाज सब देख रहा है। और जो आज मैंने भी वीडियो देखी है और मैंने भी कई एक पेपरों में देखा है इस खबर को, जब मीडिया का भी एक हक है ना हमसे बात करने का, हम भी तो आपको कह सकते थे कि हम बात नहीं करेंगे। अरे मीडिया का हक है नेता से बात करने का, तो आप बात करिए, जो सवाल का जवाब पूछ रहा है तो जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हमारा पीटी क्यों कर रहे हैं?